वकील पराग तिवारी को जज ने सजा दी, यह सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा, और वो भी किसी अपराध के लिए नहीं बल्कि कोर्ट की अवमानना के आरोप में न्यायवालिका के ऊपर से सजा हुई। ऐसा ही एक मामला गोंदिया में हुआ। एक केस की सुनवाई के दौरान जज और निजी वकील पराग तिवारी के बीच हुई नोकझोंक, इससे नाराज होकर जज ने वकील पराग तिवारी को अदालत की अवमानना के मामले में 90 रुपये का जुर्माना और सजा न भरने पर 5 दिन की सजा सुनाई। गोंदिया जिला सत्र न्यायालय में जस्टिस कुलकर्णी की अदालत में एक मामले की सुनवाई हुई। इस बीच पक्षकार के वकील पराग तिवारी और पक्षकार की ओर से दी गई जानकारी में विसंगति सामने आई। तब वकील तिवारी ने अनुरोध किया कि उनके पक्ष के लिए जुर्माना तय किया जाए, लेकिन इस बार जज ने उनकी एक ना सुनी और इसके विपरीत न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने सीधे पक्ष को वकील बदलने की सलाह दी। इस सलाह के कारण पराग तिवारी ने आपत्ति जताई, जबकि जस्टिस कुलकर्णी और एडवोकेट ने आपत्ति जताई। इस पर तिवारी के बीच नोकझोंक भी हुई। इस मामले में बिना समय बर्बाद किए जस्टिस कुलकर्णी ने कोर्ट की अवमानना के मामले में एडवोकेट तिवारी को 90 रुपये जुर्माना भरने या माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन वकील ने माफ़ी ना मांगने और जुर्माना ना भरने पर उन्हें 5 दिन की सज़ा सुनाई। लेकिन एडवोकेट तिवारी ने खुद को निर्दोष बताया और सज़ा स्वीकार कर ली। इसके चलते गोंदिया पुलिस एडवोकेट तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि गोंदिया जिले में पहली बार किसी वकील को सज़ा सुनाई गई है। सलाह उल्लेखनीय दोषी निजी वकील का नाम पराग तिवारी है। उल्लेखनीय है कि एडवोकेट तिवारी ने जुर्माना भरने से साफ इनकार कर दिया और माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, इसलिए तिवारी को जेल भेज दिया गया है। मामले को लेकर गोंदिया जिला बार एसोसिएशन कोर्ट की सजा पर काफ़ी असंतोष व्यक्त कर रहा है, इसलिए गोंदिया जिले के बार एसोसिएशन ने आज पूरा गोंदिया जिला के जिला और सत्र न्यायालय की कार्रवाई बंद कर दी। ॲडव्होकेट पंडिता रोकडे, माझं काल एक मॅटर होतं कुलकर्णी साहेबांच्या कोर्टात, तिथं माझा ॲक्सिडेंट झाला असल्यामुळे मी काही जात नव्हती, तर माझे मॅटर जे आहे ते तिवारी साहेब हँडल करत होते। तर तिथे एक डिले कंडोनेशनची ॲप्लिकेशन होती, हिअरिंग करता होती, त्यांनी पार्टीला बोलावलं। पार्टीला त्यावेळेस लक्षात नव्हतं की काय लिहिलं आहे, त्यांनी म्हटलं की साहेब आता यावेळेस माझ्या लक्षात नाही आहे काय आहे म्हणून, पण जे रिझन लिहिलेलं आहे त्यावेळेस मी वाचलं होतं। तर त्याला एकदम मी म्हटलं की तुझ्या वकिलांनी तुला वाचून नाही दाखवलं, तशा वकिलांसोबत तू कशाला त्यांचा वकीलनामा कशाला दाखल करत आहे, वकील चेंज कर नाही तर मी तुला कॉस्ट करतो। तर सरांनी म्हटलं की कॉस्ट करण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे, पण वकील चेंज करण्याच्या अधिकारना पॉवर तुम्हाला आहे। तर त्यावरून मग मी सुजय मॅम माझी पॉवर काय आहे ते तुम्हाला मी दाखवतो म्हटलं, आणि ताबडतोब कंटेमची प्रोसिडिंग चालू केली। कंटेम काहीच नाही, त्यांनी असं हॉट एक्सचेंज केलं, त्यांनी म्हटलं की तुम्ही कोर्टाला अवमानना केली आहे कोर्टाची, आणि त्या हिशोबाने मग त्यांनी प्रोसिडिंगमध्ये ते लिहिलं की तुम्ही कोर्टाला बेइज्जत केला आहे। या पद्धतीने त्यांनी खोटं खोटं आरोप लावून सर्व त्यांना कंटेम केलं, आणि सायंकाळी त्यांना 5 दिवसाची शिक्षा ऐकवलेली आहे। वॉज प्रेझेंट देअर ॲट दॅट टाइम, मैं वहां पर थी। ऐसा हुआ था, इनका कोई पक्षकार था जो डॉक में खड़ा था। पराग भैया के पक्षकार ने को ये नहीं मालूम था कि इसमें क्या लिखा है और इन्होंने क्या बोला है, ऐसा नहीं मालूम था। पक्षकार ने कुछ और बोला, तिवारी भैया की प्लीडिंग कुछ और थी, तो वहाँ पे हॉट एक्सचेंज हो गया, साहब नाराज हो गए उनके ऊपर। तो इन्होंने ये बोला, सबमिशन किया पराग भैया ने कि भाई जो भी हुआ है ठीक है, गलती हुई है, हम उसको या तो सर आप फाइन कर दीजिए और मेरी एप्लीकेशन को अलाउड कर दीजिए या फिर डिसमिस कर दीजिए। तो साहब ने बोला कि नहीं, अभी फाइन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और पक्षकार को ये बोला कि आप वकील बदलो, जो कि साहब को अधिकार नहीं है बोलने का किसी भी पक्षकार को कि आप वकील करो बदलो, उनको क्या लेना देना है हमारे से। और दूसरी बात ये बोला, या तो आप मुझसे माफ़ी मांगो या फिर मैं आपको जेल भेजता हूँ। ये पाँच दिन ये प्रकरण है, और इसमें उन्होंने अपना ईगो को सामने रखते हुए उनको माफी मांगने के लिए हर वो कोशिश की जो नहीं करना चाहिए था, जो एक जज ने नहीं करना। उन्होंने बोला कि हम सीजीएम का पावर, अब मैं दिखाऊंगा तुमको कि सीजीएम का पावर क्या होता है। ये दैट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। और उन्होंने इनकी इंसल्ट की है, पराग तिवारी की इंसल्ट की है। मैं वहाँ पे प्रेजेंट थी ना, मुझे मालूम है। ये जो है पूरा बार जो है एडवोकेट पराग तिवारी के साथ में खड़ा हुआ है, और उसके इंटरेस्ट में जो बेस्ट पॉसिबल जो है लीगल ऑप्शंस है उसके ऊपर अपन हम वर्क कर रहे हैं, और जैसे इसमें कुछ अगर हमको सक्सेस मिलता है तो जरूर आपको ब्रीफिंग करके बताया जाए। तो हम भी नहीं थे इसके पर, हम भी नहीं बता सकते। नहीं, अभी क्या है, इसके मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये सब पूरा प्रकरण जो है ना, ये पूरा प्रकरण के बारे में जब कानूनी ऑप्शन हम पूरा कर देंगे उसके बाद आपको जरूर ब्रीफिंग करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अभिषेक भटनागर गोंदिया की रिपोर्ट।
आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आर कॉन्टैक्ट 8668792352, 9801980100।